नमस्कार आप देख रहे हैं इटी नाउ स्वदेश ये एक बहुत ही स्पेशल चैट है आउटलुक 2023 जो हम एक ऐसे फंड मैनेजर के साथ कर रहे हैं जिन्होंने इंडियन मार्केट्स को ऑलमोस्ट चार दशकों से चार डेकेड से देखा है उन्होंने अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया और बहुत लंबे समय से इंडिया बुल रह चुके हैं ओवर द साइकल्स आज वो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में आए हैं हम बात कर रहे हैं अजीत दयाल की जो क्वान्ट म्यूचुअल फंड चला रहे हैं इतने टाइम से और बहुत स्ट्रांग इंडिया बुल हैं अभी वो इस समय बहुत ज्यादा बुलिश है इंडियन मार्केट पे और स्वदेश के व्यूअर्स को ये बताना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ शायद आप स्क्रीन को बहुत पास से देखते हैं डे दे टू डे मार्केट देखते हैं तो आप मिस कर रहे हैं लेकिन 10-20 साल की अपॉर्चुनिटी कैसे इंडिया में शेप अप हो रही है और आपको वो मिस नहीं करनी चाहिए अजीत हमारे स्टूडियोज में आने के लिए आज बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू नमस्ते सो अजीत आप ये बताएं सबसे पहले कि आपने तो इंडियन मार्केट के साइकिल्स देखे हैं आज का जो इंडियन मार्केट और इकोनॉमी दिखाई दे रहा है आपको वो पिछले कुछ सालों से कैसे डिफरेंट है तो अगर आप पाँच साल पहले जाओ तो इफ फाइव इयर्स अगो हम लोग बुल मार्केट में थे hmm. तो एवरीवन वाज एक्साइटेड उसके बाद 2020 वी हैविड कोविड कोविड के वजह से पूरा मार्केट गिर गया था अगर आप याद है अप्रैल 23 शायद ट्वेंटी hmm. ट्वेंटी में मार्केट का लो था बी एस सी थर्टी इंडेक्स थर्टी थाउजेंड बन गया था फिर लोग सोच रहे थे कि अभी क्या करें अभी नुकसान होने वाला है कि अच्छा कुछ अच्छा होने वाला है फ्रॉम दैट लो वी डबल्ड

दोनों डिस्टेबलाइजिंग थे स्मॉल कंपनीज के लिए मीडियम कंपनीज के लिए डिस्टेबलाइजिंग थे और डिमोनाटाइजेशन बहुत लोग के लिए था। उसके बाद रिकवरी हुआ है बहुत हुआ और ये रिकवरी अभी आधार के बाद डिजिटलाइजेशन के बाद इतना स्ट्रांग हो गया इतना स्ट्रांग है कि हम मैसिव इंडिया भूल रहे उसके बाद हम लोग चालीस साल से बुलिश है इंडिया में लेकिन ये बुलिशनेस थोड़ा अलग का बुलिशनेस है तो क्या ये कह सकते हैं कि आपकी जो करंट बुलिशनेस लेवल्स है अगर वो पिछले 40 सालों में हाईएस्ट लेवल्स पे है आ, नहीं क्योंकि अभी नाइनटीन में रिफॉर्म नहीं हुआ था अब तक इंडिया में जुलाई नाइनटी जुलाई नाइनटी में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह वो टाइम यूपीए कांग्रेस अलायंस था उन लोग ने रिफॉर्म किया था वो टाइम बुलिशनेस मैक्सिमम था तो उसके बाद बाद ये कंपेरिजन है okay. और वो अलग का बुलिश उसका रीजन फॉर दैट उसका कारण कारण था। था उसका कि हम लोग इकोनॉमी चेंज कर रहे थे दिस इज फ्रॉम टू अ डिजिटल बिग चेंज एंड अ डिजिटल इकोनॉमी टू पार्ट ऑफ वर्ल्ड दैट ओपन इकोनॉमी। टू पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेरी सिमिलर है हाँ, लेकिन कारण अलग है। हाँ। तो हैं पॉसिबल नहीं so, है तो नेक्स्ट टू इयर्स में अगर आप सोचोगे 1980 से हम लोग को दस सभी से सरकार है गर्मेंट, 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 अलग अलग सरकार ये सब अलग सरकार में 40 साल में इंडिया का जीडीपी रियल रेट ऑफ जीडीपी इन्फ्लेशन के को निकालने के हुँ, बाद 6.3 परसेंट हुआ है पर एनम अभी हम लोग को लग, लगता है कि 20 साल के बाद ये अभी 20 साल में और भी 6 परसेंट होगा और ये हाई बेस है वो तो लो बेस था अभी वो वो लो, वो टाइम का जीडीपी समझो यूएस डॉलर के टर्म में टू बिलियन अभी तो थ्री ट्रिलियन है अभी थ्री ट्रिलियन इकॉनमी सिक्स ले लो बीस साल के लिए बहुत तो बहुत बहुत बढ़िया चीज है तो बहुत एक्साइटेड और दूसरा चीज जो है कि रिफॉर्म्स जो थे वो टू डिसमेंटल द ब्यूरोक्रेसी विच वॉज स्टॉपिंग इंडिया ठीक है द ब्यूरोक्रेसी नाउ इन प्लेस एंड रिफॉर्म्स इन प्लेस आर टू हैव द ब्यूरोक्रेसी इंक्रीज इंडिया इफेक्टिवनेस इन द वर्ल्ड आई थिंक दैट्स द बिग डिफरेंस सो मच प्रेज टू दिस गवर्नमेंट फॉर हैविंग लीडरशिप मच प्रेज टू दिस गवर्नमेंट फॉर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन

स्ट्रॉगमैन लीडरशिप स्ट्रांगमैन लीडरशिप और वो चारों में से तीन पूरे इंटरनेशनल मार्केट को डिसअपॉइंट डिस बिल्कुल ब्राजील रशिया और चाइना ये सब दिवास दिवास बन गए <laughs> सही बात अभी इन्वेस्टर्स तो वहां से भाग, भाग गए बिल्कुल भाग गए अभी हम लोग का डर ये है इन्वेस्टर के लायक आ, कि अगर हम हम लोग यही बात करेंगे हर वक्त कि स्ट्रांग मैन स्ट्रांग मैन स्ट्रांग मैन है लोग डर जाएंगे

और, और ये सेम इन्वेस्टर्स जब भी आप लोग म्यूचुअल फंड चूज करते हो या फंड हाउस यही सोचना मांगते हैं वो चार पीस क्या है क्या है तो एक है पीपल हु आर द पीपल बिहाइंड दिस वो लोग कौन है जिसने फंड हाउस शुरू किया और उनका फिलोसफी क्या है उनका सोच क्या है वो आपसे चोरी करने वाले कि आपको मदद करने वाले कि दोनों में उनका फायदा आपका फायदा क्या उनका फिलासफी क्या है और उनका इन्वेस्टमेंट फिलासफी क्या है वो आपके भ, 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 भले माने शॉर्ट टर्म सत्ता के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के hmm. लिए तो hmm. वो फिलोसफी क्या है तो समझो हम लोग टेक हाउस क्वांटम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म बी थॉटफुल तो वो वो क्या क्या है है तीसरा पी क्या है? जो लॉन्ग टर्म फिलोस को एक्चुअली पोर्टफोलियो बनाए बिल्कुल हा? तो हम लोग का रिसर्च प्रोसेस क्या है इन्वेस्टमेंट hmm. पोर्टफोलियो क्या है और उसके बाद परफॉर्मेंस ये इसका मतलब नहीं है कि एनएवी क्या एक महीना एक वीक में लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस Predictability of the performance. Fair point. अगर मैंने आपको कहा कि मैं वैल्यू मैनेजर हूं hmm. और मैं वो कंपनी लेता हूँ वो शेयर खरीदता हूँ ये फंड में वैल्यू फंड में जो जिसमें कुछ डेट नहीं है जिसमें स्लो ग्रोथ हो अभी वो कंपनी हाई ग्रोथ इकॉनॉमी में सट्टा hmm. इकॉनॉमी में स्पेकुलेटिव <laughs> इकॉनमी <speculative economy laughs> में विल नॉट डू वेल बट इन एन इकॉनमी स्केड ऑफ कोविड और हिट बाई को तो वो predictable performance होना चाहिए। और इन्वेस्टर को सब सब कस 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 के फंड लेना चाहिए स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप वैल्यू सब कुछ और वो बास्केट बनाना चाहिए और उसमें वो एलोकेशन जो बनाया गया जो एसेट एलोकेशन बड़, बड़ा बड़ा शब्द देते हैं लेकिन, लेकिन वो जरूरी वो है एसेट के लिए। हाँ। बिल्कुल। तो इक्विटी तो में अलग अलग काइंड ऑफ स्मॉल कैप मिड कैप लिक्विड एक्सेट्रा और दूसरा एसेट्स गोल्ड होना चाहिए थोड़ा होना चाहिए और लिक्विड फंड होना चाहिए तो अगर ये तीन ब्रॉड एसेट क्लास हो तो आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा चलेगा 20 साल के लिए वाह क्या बात बताइए आपने आ, मुझे ये भी बताइए अजीत कि क्वांटम म्यूचुअल फंड की जो स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया है या आप किस तरह से पोर्टफोलियो सिलेक्शन या कंस्ट्रक्शन करते हैं कुछ फिलोसफी के बारे में भी बता तो क्वांटम म्यूचुअल फंड में थ्री इक्विटी फंड है एक है क्वांटम वैल्यू फंड तो वैल्यू फंड में हम लोग सोचते हैं कि ये कंपनी का तीन साल पांच साल इसका बिजनेस कैसा होएगा इसका मैनेजमेंट कैसा है इसका बैलेंस शीट कैसा है इसका लाइकली प्रॉफिट क्या है लेकिन क्वार्टरली नंबर देखते ही नहीं है तीन साल पांच साल आगे सोचते हैं क्या होने वाला है देश में क्या होने वाला है दुनिया में क्या होने वाला है देश में ये सेक्टर में और ये कंपनी में क्या होने वाला है वो असल करके शेयर खरीदते हैं या नहीं खरीदते और दूसरा फंड हम लोग का है ई फंड वो बहुत हम लोग ने लेकिन आपने 96 में शुरू किया इंटेग्रिटी स्क्रीन।, oh, okay. ने ने स्क्रीन बोला इंटेग्रिटी स्क्रीन का मतलब क्या है इनका गवर्नेंस क्या है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स का ध्यान करते हैं कि नहीं एनवायरमेंट का ध्यान करके नहीं वर्कर्स का ध्यान करके कि नहीं लेकिन वो इंटेग्रिटी स्क्रीन के हिसाब से अभी वो नाइन्टी में शुरू किया था टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन हम लोग ने सुना हो रहा है ई एस जी हो रहा है मैं मैं पूरा विदेश गया पूरा देखा क्या, है है देखा, क्या फिर हम लोग हम लोग का बना दिया क्वांटम में टू थाउजेंडीन सिक्सटीन में और टू थाउजेंड नाइनटीन में फंड लॉन्च किया वो ई एस सी क्राइटेरिया ई एस सी क्राइटेरिया का फंड ये, ये है कि ई एस सी स्कोर क्या है अगर स्कोर हाई तो हाँ वो कंपनी आएगा पोर्टफोलियो में अगर स्कोर कम है तो पोर्टफोलियो के नहीं आ सकता है हमारा हम लोग का वो वैल्यू फंड में ना ने हम हम लोग ने रिलायंस नहीं लिया है अदानी नहीं लिया है वेदांता नहीं लिया है एस आर नहीं लिया है बहुत सालों से Fair हम लोग ये नहीं कहते कि कंपनी का प्रॉफिट नहीं है हम लोग डायरे लो सोच है वो ई एच ई स्कॉर पे ने फिट होता है वो तकलीफ है और फिर सॉरी और वो थर्ड फंड जो शुरू किया था बारह साल पहले वो था क्वांटम इक्विटी फंड ऑफ फंड्स उसका सोच था ये कि सब इन्वेस्टर जो है वो सिर्फ क्वांटम वैल्यू फंड ले सकते, है। उनको और भी लेना चाहिए। बाहर Small में का, दूसरा वो मैनेजर के को बात करने के बाद हम लोग डिसाइड करते कौन सा आठ या दस इक्विटी फंड ऑफ फंड में डालोगे तो अगर आपने सौ रुपया डाला वो सौ रुपया हम लोग मैनेज नहीं करते हैं

आपका पैसा उसमें डालेंगे दिल आपके दिल लिए। मुझे ये बताइए आप इतना बुलिश साउंड कर रहे हैं uh, 10-20 इयर्स में इंडिया की अर्निंग्स आपको लगता है है कि सुपीरियर रहने वाली है या क्योंकि हम लोग एक्सटर्नल शॉक्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कहीं ना कहीं वो भी रिस्क रहेगा तो शॉक्स तो जरूर आने वाले हैं लेकिन अर्निंग्स की बात करते हैं पहले अगर जी ग्रोथ बीस साल के, के लिए सिक्स परसेंट पर आने में रियल रेट बोलते हैं इन्फ्लेशन के बाद समझो इन्फ्लेशन सिक्स परसेंट है बीस साल के लिए हर साल तो माने अगर छे और छ को एड करो तो बारह परसेंट है वो जी डी पी ग्रोथ रेट इज गोइंग टू बी ट्वेल्व परसेंट पर एनम एवरी ईयर फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर ऑन एवरेज तो इफ इमेजिन इफ यूर कंपनी एज पार्ट ऑफ इंडिया अ बिग कंपनी अगर इंडिया का जी डी पी बारह परसेंट ग्रो होने वाला है आपका रेवेन्यू बारह मिनिमम ग्रोइंग होगा ज्यादा भी ग्रो सकता, सकता है। हो सकता है अगर रेवेन्यू बारह परसेंट ग्रोइंग इंक्रीज होएगा आपका हर साल आपका प्रॉफिट पंद्रह या बीस परसेंट ग्रो चलना mm -hmm. चाहिए

ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी बीच में काफ़ी सेलिंग की थी जो डोमेस्टिक्स ने एब्जॉर्ब कर ली लेकिन एक व्यू निकल के आ रहा है कि जो रन अब यहाँ से नेक्स्ट टेन ट्वेंटी ईयर्स के लिए तैयार हो रहा है उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स न्यू क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने आएंगे क्योंकि आप बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स के साथ उठते बैठते हैं अपने सर्कल में बात करते हैं आप कन्विंस हैं कि ऐसा होने वाला है ज़रूर तो अगर दस साल पहले हंड्रेड रुपीज ऑफ सेविंग्स अगर आपको इंडियन हाउसिल में सौ रुपया था सौ रुपया बच गया था थ्री परसेंट यूज टू कम टू स्टॉक मार्केट्स थ्री परसेंट नाइन्टी सेवन परसेंट वॉज लैंड जमीन खरीदो घर खरीदो गोल्ड uh, uh, सोना खरीदो एक्सेट्रा एक्सेट्रा फिक्स डिपॉजिट पोस्टल सेविंग्स थ्री परसेंट टू इक्विटी अभी वो सेवन परसेंट हो गया है और अगर फॉरन वर्ल्ड में देखो

बहुत डायनामिक बहुत अच्छा एक जो है। आपने बात बोली थी कि एक आप बता रहे थे बात की डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बहुत बड़ी एक ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया के लिए उसको आप समझाएं जो वहां पर डेमोग्राफिक नेगेटिव डिविडेंड हो गया जो हम लोग के लिए पॉजिटिव डिविडेंड होगा वो बताइए तो डेमोग्राफिक डिविडेंड या डेमोग्राफिक डर दो चीज हो सकते चीजें तो भारगा में यूएसए में ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में यूरोप में हर दिन लोग रिटायर हो जाते हैं mm. माने दे आउट ऑफ द वर्क फोर्स दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इनकम एंड जॉब क्रिएशन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड थर्टी थाउजेंड तीस हजार हर दिन इंडिया में ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पीपल सत्तावीस हजार पीपल हर दिन जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं जॉब मार्केट में आए तो अगर ये लोग को जॉब मिले तो वो बोलते हैं साइकल, वो जो आपने कहा डेमोग्राफिक डिविडेंड कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा सैलरी मिल मिल मिला उन लोग ने नया गाड़ी खरीदा पूरा इकोनॉमी बूम हो डर ये है, और ये बहुत बड़ा डर है और ये डर है मनमोहन सिंह के प्राइम मिनिस्टरशिप से से तब तक और ये गवर्नमेंट में भी कुछ ज्यादा नहीं किया इसके बारे में सैडली डर है कि लोग आए जॉब के लिए और उनको जॉब नहीं मिले hmm. अभी उनका उम्र क्या है जो जॉब सीख करते हैं पच्चीस साल सतावीस hmm. साल तीस साल अगर आपको पच्चीस साल में आप यंग है एनर्जी है आप जॉब ढूंढो और जॉब नहीं मिलो तो वो नेगेटिव साइड चला जाएगा और क्या हो जाएगा वो राइट्स होंगे स्ट्रीट्स पे problem. और वो बाजू देखो अमेरिका में देखो क्या हो रहा है थर्टी थाउजेंड पीपल आर रिटायरिंग एवरी डे कैनेडा यूएसए यूरोप थर्टी थाउजेंड अगर वो लोग बैंक हो जाए उनका गवर्नमेंट में पैसा नहीं है नहीं हो। और उनको पेंशन नहीं मिला वो थर्टी थाउजेंड लोग करेंगे क्या वो साठ साल के सत्तर साल अस्सी साल लोग वो राइट्स नहीं करेंगे वो मर जाएंगे यहाँ रिस्क, रिस्क है वो बहुत मुझे पूरा पूरा देश में एक ही रिस्क है ये रिस्क है कि गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट या प्रीवियस गवर्नमेंट या फ्यूचर गवर्नमेंट उनका पूरा फोकस ऑन जॉब क्रिएशन जॉब क्रिएशन बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आ, आज हमसे बात करने के लिए इस स्पेशल शो का पार्ट बनने के लिए बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया